नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास ये एक VCR का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों इसके कनेक्शन मुझे ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग गया और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसके बारे में नॉलेज हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो आउटपुट है, यहाँ पर क्या सिस्टम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी AC वोल्टेज है वो 3 दी गई है। यानी कि AC वोल्टेज जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 6 पिन है इसके अंदर AC वोल्टेज। तो इसको इस तरीके से बनाया गया है दोस्तों कि किसी भी कंट्री के अंदर ये 110 वोल्ट या 220 वोल्ट या 240 वोल्ट पे चलाया जा सके। लेकिन आप देखिए, इसके अंदर इतने सारे कनेक्टर हैं। तो ट्रांसफार्मर देखिए इस तरीके से वर्क करता है ये। तो देखिए, ट्रांसफार्मर को पहले मैं नॉर्मली चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से चलता है। तो देखिए, ये मैंने कनेक्टर लगाया यहाँ पर और ये कनेक्टर मैंने यहाँ लगाया। तो देखिए इसके अंदर, देखिए 6 कनेक्टर तो ये AC के लग चुके हैं। अभी देखिए मैं इस कनेक्टर को लगाया था, तो देखिए 6 कनेक्टर ये AC के लग गए और यहाँ पर हमने मेन लीड को लगा दिया और हमने इसको देखिए AC वायर दे दी, AC लाइन इसको लगा दी। और देखिए अब मैं यहाँ पर जो है वोल्टेज को चेक कराता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज, देखिए यहाँ पर 14 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर इसके अंदर देखिए 11 वोल्टेज आ रही है, यहाँ पर इसके अंदर देखिए 34 वोल्टेज आ रही है और यहाँ पर इसके अंदर देखिए 4 वोल्टेज आ रही है, यानी कि 3.894 के आसपास वोल्टेज आ रही है। तो अब दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को हमें नॉर्मल यूज करना है। तो नॉर्मल यूज के लिए इसे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इतनी सारी वायरों को तो लगा नहीं सकते। तो इसके अंदर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए, पहले मैंने जो है इसकी जो प्राइमरी बाइंडिंग है, जो हमारी ये प्राइमरी बाइंडिंग होती है, पहले मैंने इसको यहाँ से क्लियर देखा। तो यहाँ पर 6 वायर हैं। अब 6 वायर का देखिए मैंने कनेक्शन किस तरीके से करा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले मैंने इसके अंदर जो है AC लाइन को यहाँ पर लगाया, ये देखिए पिन नंबर 3 पे और पिन नंबर 6 पे। तो ये हमने AC लाइन को लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर AC दे दी। अब देखिए AC देने के बाद इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको मल्टीमीटर के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके अंदर AC लाइन लगा दी, ये देखिए मैं AC आपको चेक कराता हूँ। तो ये मेन लीड मैंने जो है दूसरी बार लगा दी है। तो AC लाइन जो है मैं आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए इसके अंदर 230 के आसपास, 32 के आसपास वोल्टेज आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट है वो वोल्टेज नहीं देगा। देखिए देखिए, इसके अंदर भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज शो नहीं हो रही और यहाँ पर भी कोई, यानी कि आउटपुट में अभी कोई वोल्टेज नहीं देगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो है एक जम्फर लगा देता हूँ AC वायर के अंदर ही, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर बनाया ही इसी तरीके से गया है कि जब तक हम इसको शॉर्टिंग लगा दोगे, पिन नंबर 2 और पिन नंबर हमारी पिन नंबर 5। तो इस तरीके से देखिए, मैंने पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 जो लगाया, तो उससे क्या हुआ, देखिए इसके अंदर वोल्टेज, अब तो देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है मैं अब 200 पे कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी 15 वोल्टेज आ गई, ये देखिए 15, और यहाँ पर हमारी वोल्टेज जो आ गई वो हमारी देखिए 12 वोल्टेज आ गई, यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज देखिए 37 आ गई और यहाँ पर जो हमारी वोल्टेज है वो देखिए 4 वोल्टेज आ गई, ये देखिए यहाँ पर हमारी 4 वोल्टेज आ गई। अब देखिए इसके अंदर देखिए वोल्टेज कैसे चेंज होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये वाली मैंने वायर यहाँ लगाई, ये लग गई, और इस वायर को अब मैं इस वाले पिन पे शॉर्ट कर देता हूँ, यानी कि पिन नंबर 1 से पिन नंबर 4 पे मैंने लगा दिया। तो अब देखिए, जैसे ही मैंने अब इस वायर को कनेक्ट करा, अब यहाँ पर देखिए वोल्टेज चेंज हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ पर जो वोल्टेज 15 थी, तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज हो गई 11, यहाँ पर वोल्टेज हमारी थी 12 के आसपास, तो देखिए यहाँ वोल्टेज होगी 9, यहाँ पर वोल्टेज हमारी 35 के आसपास थी, तो देखिए यहाँ हो गई हमारी 27, यहाँ पर वोल्टेज हमारी 4 थी, तो यहाँ पर देखिए 3.12, बस इसी के आसपास वोल्टेज रह गई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये 110 वोल्टेज के लिए भी बनाया जाता है और 220 वोल्टेज के लिए भी बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 110 वोल्टेज, 120 वोल्टेज और 220 वोल्टेज और 240 वोल्टेज। लेकिन अब हम इसको नॉर्मल यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इन दोस्तों जो ये 6 वायर है, इन 6 वायर को हम शॉर्टिंग करके, आप जो है इस चीज़ को, अगर आपको ये आपके पास भी कोई इस तरीके से ट्रांसफार्मर है और आपको अगर चेक करना है, तो आप क्या करेंगे कि पहले इस ट्रांसफार्मर को सीरीज में लगाएंगे,
सीरीज में लगाने से क्या होगा कि अगर आपका कोई कनेक्शन गलत भी लग जाएगा तो वहाँ पर आपका जो ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होगा और जो है आपका जो सीरीज बल्ब है वो जल जाएगा। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।